हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इन्फिनिटी ट्रैक मोनो चैनल में। आज आपको दिखा दें हमारे यहाँ जो गाड़ी आती है दोस्तों, कितनी कठिनाइयाँ से गाड़ियों को उठाया जाता है और हार्ड वर्क करके आप सभी लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए, हम लोग रैंप लगाते हैं, हमारे कंपनी ने जो है इस प्रकार के कुछ रैंप बने हैं जो कि तीन डिवाइड में किया गया है, तीन भागों में बांटा गया रैंप को। और ये हमारी बजाज कंपनी है, शोरूम है ये, पहले यार्ड था, इस टाइम शोरूम बन गया है, सर्विस सेंटर बन गया है, फायर ब्रिगेड के बगल में है। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ गाड़ियों को रैंप के माध्यम से नीचे की तरफ उतारा जाता है, जो कि ट्रकों में यानी कंटेनर कह सकते हैं आप लोग, कंटेनर में जो है रहता है। तो इन गाड़ियों को इस प्रकार से उतारा है। दोस्तों देखिए कितना कठिन होता है और कितना जटिलता से हम बहुत ही केयरफुल्ली तरीके से इस गाड़ियों को उतार लिए जाते हैं और आप सभी कस्टमर भाई तक पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही कठिन परिश्रम से हम लोग गाड़ियों को आप तक पहुंचाते हैं और इसमें काफ़ी सारा जो है प्रोसेस बचा होता है जो हमारी कंपनी में पीडीआई के दौरान कर दिया जाता है। दोस्तों ये गाड़ियां पीडीआई के दौरान काफ़ी अच्छा सुटेबल रूप से और केयरफुल्ली तरीके से इसको हम आगे के असेंबल करते हैं दोस्तों। और देखिए इस प्रकार से गाड़ियों को नीचे साइड में आपको कैसे उतारा जाता है, उसके बाद आप सभी लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों इतनी कठिनाइयों से जो है इस गाड़ियों को रैंप के माध्यम से हम लोग उतारते हैं और आप सभी लोगों तक इसको जो है पहुंचाया जाता है। और कुछ वर्किंग जो होती है हमारे पीडीआई के दौरान किया जाता है। अभी आपको ये गाड़ी आधी दिख रही है, यानी इसका पर्दा वर्दा जो है सब कुछ कंपनी में सेट करने के बाद आपके तक जो है हम लोग जो है यही होता है पूरा कंप्लीट प्रोसेसिंग के दौरान। आपको जब गाड़ी जो है मिलती है तो पूरा फुल प्रोसेसिंग करने के बाद ही आपको जो है गाड़ी दी जाती है, ताकि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है। देखते हैं कैसे उतारी जा रही गाड़ियों को। तो दोस्तों देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक और ताकि कोई दिक्कत ना हो, गाड़ियाँ भी जो है ठीक ठाक तरीके से उतर जाए और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ना ही गाड़ी कहीं लड़े भिड़े, और बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है रैंप से नीचे जो है उतार ली जाती है कंटेनर से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जो पीछे डिब्बे बने हुए हैं ये सभी में जो है इसके कुछ टूल्स हैं और इसमें पर्दा वर्दा लेकर के काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है गाड़ियों को तैयार करना। तो इसी हिसाब से जो है हम लोग गाड़ियों को उतरवाते हैं और उसके बाद असेंबल करके आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों अभी तक आपको जो है उतारने की बात बताए थे, आज ये चलते कुछ आपको आगे बात बता दें। क्या होता है कि ये गाड़ियों का जो है अभी तक जो रेंज आया है वो मैक्सिमम रेंज आया है 150 तक का, जबकि कंपनी देती है 170 का रेंज देती है।